अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मनावर थाना अंतर्गत ग्राम पीपलाज में बीती रात 10 से 12 डकैतों ने दो घरों को निशाना बनाया। एक घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण व लगभग 1,50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर गए। वहीं धर्मेंद्र संतपरा के घर से 20 से 25 हजार रुपए की नकदी और चांदी के जेवर सहित अन्य सामान ले गए। डकैतों ने कन्हैया मालविया के घर दोनों पति पत्नी के साथ मारपीट कर घायल कर गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने धरपकड़ तेज करते हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। कहाँ रहते हो? पिपलाज। रात में क्या घटना घटी थी यहाँ पर? रात को अचानक में चोर आए और चोरी करके ले गए। तो चोरी करके आराम से लेके कई करी मेहनत उन्होंने चोरों ने? अपने यहाँ तो नहीं करी मेहनत, इनके यहाँ? इनके यहाँ ले गए मेहनत करके। कैसा? हाँ, मारा कुटी बहुत करे। किनको किनको मारा? दोनों पति पत्नी को। ऐसा, क्या नाम है मारा इनको उनका? कन्हैया लाल मालवी, राधा भाई मालवी। तो आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा जब ये चोर आया था उस समय गांव में? कोई पानी गिर रहा था, 10:30 बजे तक तो हम टीवी देख रहे थे और यहाँ पर भी भुट्टे सेक के खाए गए। 11:30 बजे तक पानी आया और ये आके बैठे रहे। पानी बंद हुआ कि इन्होंने कोई सुन सपट हो गया। कितने क्या चोर होंगे? 15-20 होंगे। क्या क्या गया आपके घर से? मेरे घर से 25-30 हजार रुपये थे नगद और ये चांदी की रकम हो रही है। और ये मालवीय जी के यहाँ क्या क्या? मालवीय जी के यहाँ अब वो वहाँ अस्पताल में भर्ती है, वो आएंगे जब बताएंगे। कहाँ भर्ती है? बड़वानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश मालवीय है, मैं ग्राम करौली में रहता हूँ। मेरी किराना दुकान वहाँ पर है और मेरे मम्मी पापा पिपलाज में रहते हैं और उनको मेरे को सूचना मिली कल रात्रि 1 से 1:30 बजे के लगभग कि उनके घर चोरों ने हमला किया और उनको मारकूट की और जो भी नकदी वगैरह रखे थे वो लेके गए हैं। तो मैं आया, जैसे इनको देखा तो ये खून से लथपथ थे, तो मैंने दूसरा तो कुछ देख नहीं पाया मैं चोरों का क्या रहा क्या नहीं रहा। पर बाकी इनको देख के मैं इनको लेके चला गया। घर में जो भी नकदी पड़ा था 1 से 1.25 लाख, मैंने जो कल वैन वगैरह बेची थी उसके पैसे आए थे मेरे पास 60 हजार, वो रख के गया था और 60-70 हजार इनके घर में पड़े थे तो वो भी ले गए। और 8 से 10 तोला सोना पड़ा था घर में इनका बना हुआ, जो भी रकम भाव थे तो वो भी नहीं है। तो अब मैं तो उसके बाद चला गया था, चोरों की संख्या क्या रही होगी ये गांव वालों ने बताया बाद में कि 10 से 15 लोग आए थे और ऐसा ऐसा देख के अभी सामान वामान सब बिखरा पड़ा है घर में। बाकी अब मम्मी पापा की तबीयत को देखते हुए मैं तो बड़वानी चला गया था, बड़वानी में है, उनको भर्ती करा हुआ है वहाँ पे और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस कब तक आई थी? पुलिस तो अब ये बाद में आधे एक घंटे बाद आई थी। हम तो यहाँ से निकल गए थे बड़वानी के लिए, पापा मम्मी को यहाँ से ले जाना था जल्दी, ज़रा उनको देखते हुए हालत उनकी ज़रा ज़्यादा नाजुक लगी हमको, तो उनको लेके हम बड़वानी चले गए थे। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।